पहले 8 मिसिंग थे, पर मैं मिसिंग नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि वो बीजेपी अगवा करके उन्हें ले गई थी, पर आधे से ज़्यादा छूट चुके हैं, आ चुके हैं वापस, और कुछ एक हैं अभी भी जिनको बैंगलोर ले गई है बीजेपी। पर बीजेपी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डे वन से चैलेंज किया है कि फ्लोर टेस्ट कराएं और फ्लोर पर विधानसभा जो कि लोकतंत्र का मंदिर है उसमें अपना फ्लोर टेस्ट करके अपनी गिनती बताएं विधायकों की। पर बीजेपी ने कभी भी हिम्मत नहीं की, और जब फ्लोर टेस्ट हुआ भी तो बीजेपी के दो विधायक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के अच्छे कार्यों की उन्होंने सराहना की है, पर भारतीय जनता पार्टी जिस गंदे स्तर पे उतरकर एन-केन प्रकार सत्ता में आने की कोशिश कर रही वो बेहद शर्मनाक है, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो माफियाओं के खिलाफ जो बड़ा मुहिम मुख्यमंत्री जी ने चलाई है उससे डर गई है, क्योंकि माफियाओं के जड़ों पर यही नेता है जिनके चलते 15 साल मध्य प्रदेश माफियाओं के कब्जे में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने दो प्लेन चार्टर किए थे, इन्हें माननीय विधायकों को बैंगलोर ले जाने के लिए, एक 12 सीटर था, एक 9 सीटर था। 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। सर आपका स्वागत। उसमें 3 कांग्रेस के थे, बिसाऊलाल सिंह जी, रघुराज कंसाना जी, हरदीप डांग जी और एक निर्दलीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी। इनके सारे फोन उन्होंने छीन लिए थे, फिर संपर्क नहीं कर पा रहे थे और इन्हें धोखा देकर वहां ले जाया गया। रघुराज कंसाना जी 2 घंटे तक जद्दोजहद करते रहे कि मुझे प्लेन में नहीं बैठना, जबरदस्ती उनको प्लेन बैठाया गया। बिसाऊ लाल सिंह जी नहीं जाना चाहते थे, नरोत्तम मिश्रा जी और कुछ और उनके साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जीतू पटवारी जी और जयवर्धन जी के सामने से जबरदस्ती उन्हें धौंस देकर और धक्का देकर बिसाऊ लाल जी को ले गए, जबकि बिसाऊ लाल जी जाना नहीं चाहते थे।